अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो ये शॉर्ट रेसिपी है ये है टिक्का रोल पराठा की सॉस की, जो हमने इसके साथ बनाया था। तो इसके लिए हमने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और इसके लिए हमने हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद कटी हुई। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी इतनी ज़्यादा आपको पसंद आएगी, इतनी अच्छी सॉस बनती है ये, कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ही खाएँ, या फ्राइज़ के साथ। ये एक हैंडफुल हमने हरा धनिया ले लिया, धुला कुटा कटा हुआ हरा धनिया, इसकी डंडियाँ भी ज़रूर साथ डाला करें, जो नरम डंडियाँ होती हैं उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद इसमें हमने दही डाला है 3 से 4 चम्मच, लेकिन दही का ये ख्याल रखिएगा कि दही का पानी ना डाले, उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, उससे ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इसलिए गाढ़ा दही होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी ये बनेगी। तो ये इसमें चला जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये सॉस आप फ्राइज़ के साथ, शाम के आलू के स्नैक्स के साथ, या पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा देगा। और ये आलू के स्नैक्स की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, होम शेफ़ के नाम से मेरा चैनल है, वो जाके देखें, सब्सक्राइब करें। इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच, बस इसको हम पीस लेंगे, हमारी सॉस तैयार है। ये सिर्फ टिक्का रोल पराठा के साथ नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत मज़ा देगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।